द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे ऐसे आए जिसमें साफ था कि हंग गवर्नमेंट बनने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटें आई और उससे फिर से सत्ता में आने का ख्वाब देखने वाली भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। दरअसल मेघालय में विपक्ष एकजुट हो गया है और मुकुल संगमा टीएमसी ने सरकार बनाने का दावा वहां ठोका है। पूरे विपक्ष को एकजुट कर लिया गया है। उसके बाद एनपीपी के साथ फिर से 2 सीटों के सहारे सत्ता में घुसने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर हो गया है। हम आपको आंकड़ों के हिसाब से भी समझाते हैं कैसे मुकुल संगमा ने कांग्रेस का साथ लेकर और अन्य छोटे छोटे दलों का साथ लेकर सरकार बनाने का वहां दावा ठोकने का पूरा प्लान बना लिया है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि वो विपक्ष को एकजुट कर चुके हैं और सरकार बनाने के लिए मेघालय में तैयार हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जरा आप अपने स्क्रीन पर यह ग्राफिक्स देखिए, दैनिक भास्कर का ग्राफिक्स है और हमने मेघालय के आंकड़े निकाल रखे हैं। इसमें एनपीपी को 26 सीटें दिखाई पड़ रही हैं, 32% वोट शेयर है। 2018 में 19 सीटें आई थी। बीजेपी को 2 सीटें, 9% वोट शेयर, फिर से 2 ही सीटें आए पिछली बार भी। कांग्रेस में 5 और 13% वोट शेयर है। टीएमसी का 5 देखें आप, अन्य का 21 देखें। टीएमसी का खाता भी नहीं खुला था 2018 में। और यहां पर आप एनपीपी और बीजेपी को छोड़ दीजिए, साइड कीजिए, फिर जोड़िए कांग्रेस, टीएमसी और अन्य को। कांग्रेस का 5, टीएमसी का 5, दोनों मिलकर 10 हो गया और अन्य को जोड़ दें तो 21 हो गया। 59 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, इस वजह से जो जादुई आंकड़ा है वो 30 सीटों का रह गया। ऐसे में इनके पास 31 सीटें हैं। अगर यह 60 सीटों का हो भी जाए तब भी 31 मतलब है जादुई आंकड़ा पार कर लिया गया। वैसे विपक्ष की सरकार वहां पर बनने के लिए बिल्कुल तैयारी हो रखी है। मुकुल संगमा ने सबको एकजुट कर लिया है। हम आपको डिटेल में भी बताते हैं नवजीवन के खबर के अनुसार कि वहां पर कौन कौन से अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, किनके पास कितनी सीटें हैं और सबको अगर हम जोड़ेंगे, जो आदर्श में 21 दिख रहा है वो 21 और 5-5 कांग्रेस टीएमसी की, अगर दोनों के गठबंधन और बाकी अन्य छोटे दलों के गठबंधन हुए हैं तो सत्ता बनाने से मेघालय में टीएमसी को कोई रोक नहीं सकता है। टीएमसी यहां किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। साथ ही साथ बीजेपी और एनपीपी का सपना यहां चकनाचूर होने वाला है। कैसे कुछ होगा उसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर नवजीवन की यह खबर देखिए। नवजीवन ने अपने ट्वीट में लिखा है, मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा आने पर सीएम कोनराड संगमा जहां फिर से सरकार बनाने की हर जुगत में लगे हैं, वहीं टीएमसी के नेता मुकुल संगमा ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि अगली सरकार एनपीपी और बीजेपी गठबंधन के बिना भी बन सकती है और इसके लिए विपक्ष को एकजुट कर लिया गया है, वह चर्चा भी कर रहे हैं। अब खबर में हम आपको थोड़े फॉर्मूले को समझाते हैं, आंकड़े को समझाते हैं कि कैसे मुकुल संगमा के दावे में दम है और सरकार बनाने की पहल हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपके मन में यह भी सवाल होगा कि विधानसभा में दरअसल जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसे ही सरकार बनाने के लिए पहला निमंत्रण राज्यपाल के तरफ से मिलता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई अलायंस कर लेता है, गठबंधन हो जाता है, उसके बाद अगर वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है तो फिर राज्यपाल उन्हें भी बुला सकते हैं। ऐसे में बीजेपी और एनपीपी को अगर हम जोड़ते भी हैं तो भी उनका जादुई आंकड़ा तक नहीं पहुंच पा रहे, तो ऐसे में मुश्किल है बीजेपी और एनपीपी के लिए। तो विपक्षी दल जितने भी हैं, छोटे छोटे दल हैं, साथ में टीएमसी है, सबको मिला देते हैं तो जादुई आंकड़ा पार हो रहा है। जरा खबर में देखिए, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एनपीपी ने 26 सीटें जीती हैं जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस और तृणमूल ने 5-5 सीटें जीती जबकि यूडीपी को 11 सीटें हैं। वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को 4 सीटें हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। अगर एनपीपी और बीजेपी को छोड़कर 2 निर्दलीय समेत सभी राजनीतिक दल एक साथ आ जाएं तो वह 60 सदस्य सदन में जादुई आंकड़ा पार कर सकते हैं।
निश्चित तौर पर अभी आप जितने क्षेत्रीय पार्टी को देख पा रहे हैं ये तमाम नाम ऐसे हैं जिनके पास 2 सीटें 4 सीटें इस तरीके से हैं, और इनमें एक यूडीपी है जिनके पास 11 सीटें हैं। अगर ये सब मिल जाते हैं तो टीएमसी का दावा वहां पर सही साबित हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा ये ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति यह है कि यूडीपी भी कह सकती है कि हमारे पास 11 सीटें हैं तो मुख्यमंत्री हमारे पार्टी से होने चाहिए, लेकिन वहीं टीएमसी 5 सीटों के साथ किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन अलग अलग पार्टियों के पास अपने दावे होंगे। तो विपक्ष को एकजुट करके किसी एक मुख्यमंत्री पर फैसला करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए कहा जा रहा है कि संगमा वर्सेज संगमा की लड़ाई यहां पर चलने लगी है। मुकुल संगमा अगर चाहेंगे तो खुद मुख्यमंत्री अगर बने तो सबको सहमति के साथ तैयार करना पड़ेगा, अगर नहीं, अगर ऐसा ही कुछ होता है यूडीपी जिनके पास 11 सीटें हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जाए, अगर उनसे यह मना लिया जाए कि हाँ ठीक है आपका कोई मुख्यमंत्री हो सकता है तो रास्ता बिल्कुल साफ है, बीजेपी की राहें वहां पर बंद हो जाएंगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जोर तोड़ की सियासत में माहिर मानी जाती है, कई राज्यों में सत्ता नहीं मिलने के बावजूद भी दूसरे के सरकार को अस्थिर करके विधायकों को तोड़कर सत्ता में आने का बार बार ख्वाब देखती है। कई राज्यों में बीजेपी सफल भी हो गई, पैसे के दम पर और विधायकों को तोड़ देने के सिलसिले में बीजेपी का तो कोई सानी है भी नहीं। इस वजह से मेघालय में उनकी 2 सीटें हैं, फिर भी सपना यही है कि 2018 में एनपीपी के साथ मिलकर हमने सरकार चला ली तो इस बार भी 2 सीटों के साथ सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन यहां पर एनपीपी और बीजेपी को अगर आप जोड़ भी देते हैं तो भी 26+2 28 सीटें ही होती हैं, तो 28 सीटों के साथ तो सरकार नहीं बनेगी। इस वजह से 2 निर्दलीय को जोड़ना पड़ेगा, अगर 2 निर्दलीय को जोड़ भी देते हैं तो 30 होता है, अगर 59 के फॉर्मूले पर चले तो यहां पर मामला फिट है, लेकिन अगर जिस एक सीट पर चुनाव नहीं हो सका एक कैंडिडेट के निधन हो जाने के चलते तो वहां पर परिस्थिति बदल सकती है। तो वहां पर अगर एक सीट पर चुनाव होता है वो भी विपक्ष के खाते में चला गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनपीपी चाह कर भी मिलकर भी 2 निर्दलीय को साथ में ले ले तब भी सत्ता में तो वहां नहीं आ सकती है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए नॉर्थ ईस्ट पर वर्चस्व का सपना बिल्कुल ही टूटने जा रहा है। त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज भी चुनाव हारे। वहीं अगर नागालैंड की बात करें तो गठबंधन में बीजेपी वहां पर है, इस वजह से वहां अगर यह कह दें कि बीजेपी अपने दम पर कुछ कर सकती है वो भी संभव नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों ने जितनी ताकत वहां दिखाई त्रिपुरा में हो मेघालय में हो या नागालैंड में हो हर जगह वैसा कुछ मैजिक नहीं हुआ जितना ये गोदी मीडिया वाले दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा चल रहा है या अमित शाह की पॉलिटिक्स वहां पर काम कर गई, जेपी नड्डा की रणनीति काम कर गई, बिल्कुल ऐसा वहां पर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि क्षेत्रीय दलों ने जो दबदबा वहां बनाया है उससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उस रथ को रोकने की कोशिश की है जिस रथ से नफरत भरी खेती की जाती है, जिस रथ के जरिए हिंदुत्व का सिर्फ एजेंडा बुलंद किया जाता है, कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे में मेघालय की सियासत काफी दिलचस्प हो गई है, मेघालय में सियासी उथल पुथल की स्थिति है, सत्ता कौन संभालेगा इसको लेकर अब मथापच्ची जारी है, लेकिन विपक्ष अगर एकजुट है तो तय मानिए कि एनपीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर नहीं बनने जा रही है, यह सरकार बनेगी टीएमसी यूडीपी कांग्रेस प्लस अन्य छोटे छोटे जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने 2-4 सीटें भी जीती हैं या निर्दलीय 2 उम्मीदवार, इन सबको मिलाकर विपक्ष की सरकार वहां दिखेगी, वो सत्ता पक्ष में बैठेंगे, बीजेपी को और एनपीपी को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है, इंतजार कीजिए मेघालय में सरकार किसकी बनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।